बच्चों नमस्कार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रोटेक स्टडी में और बच्चों मैं हूं अरविंद यादव फिर मैं हाज़िर हूं आपकी एम पी पी एटी क्रैश कोर्स की क्लास लेकर बच्चों अगर आप तैयारी कर रहे हैं बी एच यू आई सी आर यू पी कैटर सी जी पी एटी या जेड की तो बच्चों यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है चूँकि आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं बच्चों जूट और अलसी की खेती जी हाँ छात्रों जूट और लेंसीड की कल्टिवेशन जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं वह सभी प्रश्न आपके इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे और बच्चों अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें जिससे आपको नए वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल सके बच्चों आप ट्वेल्थ के छात्र हैं तो ट्वेल्थ भी हमने पूरा पढ़ाया है आप हमारी प्ले लिस्ट में जाकर पूरा ट्वेल्थ भी पढ़ सकते हो अगर आपके कोई भाई बहन जूनियर छात्र हैं तो उनको भी आप हमारे यूट्यूब चैनल एग्रोटेक स्टडी के बारे में जरूर बताएं जिससे बच्चों उनका भी भला हो सके ठीक है अब इस वीडियो की हम लोग बिल्कुल देर ना करते हुए शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे जूट की तो बच्चों जूट आपकी जो फसल है इसका बोटनीकल नेम होता है कारकोरस कैप्सुलरस क्या होता है कोरस इसका नेम होता है इसको सफेद जूट के नाम से जाना जाता है कौन से जूट के नाम से जानते हैं इसको सफेद जूट के नाम से जानते हैं बच्चों इसके कुल की बात करें तो कुल होता है इसका टेलेसी कुल कौन सा होता है टेलेसी इसका कुल होता है उत्पत्ति स्थान अफ्रीका व चाइना बहुत सारे वैज्ञानिकों का मत है कि अफ्रीका है और बहुत सारे वैज्ञानिकों का मत है कि इसका उत्पत्ति स्थान चाइना है तो दोनों ही सही है अगर एग्जाम में दोनों में से एक आएगा दो नहीं आएंगे बिल्कुल कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा अफ्रीका या चाइना गुणसूत्र संख्या की बात करें तो गुणसूत्र संख्या है टू एन बराबर फोर्टीन यानी टू एन बराबर चौदह जूट में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है क्रोमोजोम नंबर इनको इंग्लिश में बोलते हैं जूट भारत की प्रमुख नगदी फसल है कैसी फसल है नगदी नगदी का मतलब होता है बच्चों इसको घर पे कोई यूज नहीं किया जाता इसको खेत में सीधे उगा करके सीधे मार्केट में बेचा जाता है सीधे कह सकते हैं हम लोग नगद पैसे की आपको आमदनी होती है तो इसलिए इसको कह सकते हैं जूट भारत की प्रमुख नगदी फसल है ठीक है चलिए विश्व में सर्वाधिक जूट की खेती की बात करें तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जूट की जो कल्टीवेशन होती है वो इंडिया में होती है कहाँ पर होती है भारत में सबसे ज़्यादा इसकी खेती की जाती है भारत में सर्वाधिक जूट की खेती पश्चिम बंगाल राज्य में होती है जी हाँ अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा आपकी जो खेती होती है वो होती है पश्चिम बंगाल राज्य में तो बच्चों जूट को आप सब लोग जानते होंगे अच्छी प्रकार इससे आपके क्या बनाए जाते हैं बोरी रस्सी आदि आपके चीज़ें बनाई जाती हैं ठीक है चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट आपके प्रश्न की ओर नेक्स्ट है आपका बच्चों जूट के रेशे को बास्ट कहते हैं इसको जरूर आप लोग याद रखना कई बार एग्जाम में पूछा चुका है कि बताइए जूट के रेशे को क्या कहते हैं बास्ट कहा जाता है क्या कहा जाता है बास्ट जूट के रेशे में लिग्नो सेलुलोज पाया जाता है कौन सा सेलुलोज पाया जाता है लिग्नो सेलूलोज पाया जाता है इसका रेशा कह सकते हैं लिग्नो सेलूलोज का बना होता है जिस प्रकार से मैंने आपको कॉटन में पढ़ाया था जो रुई होती है वो नाइन्टी नाइन परसेंट सेलोलोज होता है उसी प्रकार से जूट का रेशा लिग्नो सेलोलोज होता है ठीक है चलिए जूट के रेशे को गोल्डन फाइबर कहते हैं क्या कहा जाता है इसको गोल्डन फाइबर कहा जाता है क्योंकि इसका कलर कैसा होता है आपका गोल्डन कलर का होता है इसलिए इसे गोल्डन फाइबर कहा जाता है जूट से संबंधित क्रांति को गोल्डन फाइबर क्रांति कहते हैं बिल्कुल बच्चों जूट से संबंधित जो रेगुलेशन है उसको गोल्डन फाइबर रेगुलेशन कहा गया है जूट का संकर बीज तैयार नहीं किया गया बच्चों जूट एक इकलौती फसल है आपकी ये कि इसका कोई भी हाइब्रिड बीज अभी तक तैयार नहीं किया गया इसलिए आप इसको ज़रूर याद रखेंगे जूट का ऐसा तने के द्वितीय फ्लोयम से प्राप्त होता है फ्लोयम तो आप लोग जानते होंगे कि पौधा जो होता है उसमें फ्लोयम और जाइलम दो प्रकार की कोशिका पाई जाती हैं जाइलम के द्वारा भूमि में से जल का अपसण होकर पूरे पौधे में जाता है उसी प्रकार से फ्लोयम में जिस तरीके से भोजन और जो सॉरी भोजन तो नहीं ये कह सकते हैं कि जो पोषक तत्व और जो खनिज तत्व होते हैं वो पौधे फ्लोएम के द्वारा पूरे पौधे में पहुँचाते हैं तो फ्लोएम से ही रेशा प्राप्त होता है आपके तने में जो फ्लोएम पाया जाता है दूसरा फ्लोएम होता है उससे प्राप्त होता है केंद्रीय जूट एवं एलाइल फाइबर अनुसंधान संस्थान बैरकपुर पश्चिम बंगाल में स्थित है जी हाँ छात्रों ये भी याद रखें आप लोग केंद्रीय जूट एवं एलाइल फाइबर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है बैरकपुर पश्चिम बंगाल में ही ये स्थित है ठीक है बच्चों उम्मीद करता हूँ सभी चीज़ें आपको समझ में आ रही हूँ कहीं किसी को डाउट लगता है समझ में नहीं आता तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लेकर पूछ सकते हैं या आप, आप कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर भी आप पूछ सकते हैं ठीक है चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट आपके प्रश्नों की ओर नेक्स्ट है जो जूट की किस्में किस्मों की बात कर लेते हैं सबसे पहले बैसाखी बासुदेव गोल्डन जुबली ये आपकी जूट की प्रमुख किस्में गोल्डन जुबली को कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया गया है इसलिए इसको आप जरूर याद रखिएगा सफ़ेद जूट की बीज दर छः से आठ किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है जी हाँ इसकी सीड रेट भी आपको याद रखना है सिक्स टू एट के जी पर हेक्टेयर इसकी क्या होती है सीड रेट या कह सकते हैं बीज दर होती है इसकी कटाई एक सौ बीस दिन में की जाती है जी हाँ इसकी एक सौ बीस दिन की हो जाती है तब इसकी हम कटाई करते हैं कटाई के समय पचास परसेंट फूल आ जाते हैं आप बहुत सारे छात्र सोच रहे होंगे कि सर एक सौ फूल आते समय क्यों काटते हैं तो बच्चों हमें इसके बीजों की आवश्यकता नहीं है हमें इसके रेशे की आवश्यकता है रेशे के लिए इसको उगाया जाता है जब रेशे के लिए इसको उगाया जा रहा है तो हमें उसके बीजों से लेना देना कम है ठीक है ना जब बीजों की आवश्यकता होगी तब हम इसको अधिक समय तक उगाएंगे लेकिन हमें यहाँ पर जरूरत है रेशे की तो रेशे तब आ जाता है अच्छी तरीके से जब इस पर फूल आते हैं पुष्पन अवस्था पर इसको काट लिया जाता है फिफ्टी परसेंट पुष्प होता है तब इसको काट लिया जाता है शीघ्र काटने पर क्या होता है महीन गुणों वाला रेशा प्राप्त होता है जी हाँ अगर हम इसको जल्दी काट लेंगे तो इसमें जो अच्छी क्वालिटी वाला महीन क्वालिटी वाला आपका रेशा प्राप्त होगा अगर देरी से काटेंगे तो जो रेशा होगा वो आपका मोटा प्राप्त होगा फाइबर मोटा प्राप्त होगा तो कोई मतलब नहीं है रेशे के पतला जो रेशा होता है ना उसकी कीमत ज़्यादा होती है इसलिए उस रेशे के लिए अच्छी क्वालिटी वाला रेशा माना जाता है ठीक है चलिए आपको ये चीज़ समझ में आई होगी बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट आपके प्रश्न की ओर नेक्स्ट है तनेसी से रेशा अलग करना रेटिंग कहलाता है और इसमें आठ से तीस दिन का समय लगता है तो बच्चों यहाँ पर रेटिंग ज़रूर समझना होगा रेटिंग क्या होती है रेटिंग का मतलब होता है बच्चों जूट को काट करके और उसको पानी में सड़ाया जाता है सड़ाने का मतलब ये कह सकते हैं उसको रखा जाता है क्योंकि वहाँ पर उसमें किनबन की क्रिया होती है कौन सी क्रिया होती है किनमन की जिससे जो रेशा होता है वो अलग अच्छी प्रकार से हो सके तो पानी में इसको गलाना ही क्या कहलाता है आपका रेटिंग कहलाता है और रेटिंग के लिए कुछ तो आठ दिना में ही तैयार हो जाता है रेशा निकाल सकते हैं कुछ तो तीस दिन भी लग सकते हैं जिससे हम उसका रेशा प्राप्त कर सके इसका तापमान चौंतीस डिग्री सेल्सियस होता है जी हाँ छात्रों जो रेटिंग होता है इसका विशेष याद रखना विशेष स्पेशल पॉइंट है टेम्परेचर कई बार पूछा गया है मुझे लगता है हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि बताइए जूट की रेटिंग का टेम्परेचर कितना होता है चौंतीस डिग्री सेल्सियस यानी जो रखा जाता है वहाँ पर तो पानी का टेम्परेचर लगभग इतना होना चाहिए जिससे क्या हो सके जल्दी से वो सड़ सके या रेशा इसको जल्दी से हम लोग अलग कर सकें महत्वपूर्ण होता है जी जब इसको पानी में रखा जाता है तो ये दोनों बैक्टीरिया काम करते हैं जो दोनों ही आपके इंपोर्टेंट बैक्टीरिया हैं दोनों महत्वपूर्ण बैक्टीरिया हैं आपके जूट से रेशा अलग करने के लिए जूट की एक बेल का वजन एक सौ अस्सी किलोग्राम होता है बच्चों इसको सही कर लेना जूट की एक बेल का वजन वन एट्टी के होता है जिस प्रकार से मैंने कॉटन में आपको पढ़ाया था वन सेवनटी के होता है ना एक सौ सत्तर किलोग्राम उसी प्रकार से जूट की जो बेल होती है बेल के बारे में मैंने बता चुका हूँ आपको क्या होती है यह एक आपकी रेशे को मापने की एक इकाई एक होती है क्या होती है इकाई यूनिट होती है उसी प्रकार से तो जूट की एक बेल का वजन कितना होता है एक सौ धागे की उपज तेईस क्विंटल प्रति हेक्टेर होती है जो प्राप्त होता है धागा आपको जिससे बोरी रस्सियाँ बनाई जाती हैं उसकी उपज हो जाती है लगभग साढ़े बाईस से तेईस क्विंटल प्रति हेक्टर उपज प्राप्त हो जाती है ठीक है बच्चों तो जितने भी आपके जूट्स की फसल से क्वेश्चन बनते थे सभी प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बता दिए हैं इससे बाहर नहीं जाएगा बस इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा आगे हम बात करेंगे अलसी की फसल की अलसी की जो फसल है वह भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्रीकल्चर कंपटेटिव एग्जाम के लिए अब हम अलसी की फसल की शुरुआत कर लेते हैं अलसी बच्चों अलसी का बोटनिकल नेम लाइनम यूसी टैटी सिमम होता है क्या होता है लाइनम यूसी टैटी सिमम कुल की बात करें तो कुल होता है लाइनेसी कुल कौन सा है लाइनेसी अगर इसका बोटनिकल नेम याद कर लेते हो तो कुल तो आपको जनरल याद हो जाएगा लाइनेसी और बच्चों याद जरूर रखना लाइनेसी क्योंकि कई बार इसका कुल को जरूर पूछते हैं इसलिए ये आपको याद होना चाहिए गुड़सु संख्या की बात करें तो गुड़सु संख्या टू नंबर थर्टी होती है उत्पत्ति स्थान की बात करें दक्षिण पूर्वी एशिया इसका ओरिजन है कहाँ पर है दक्षिण पूर्वी एशिया अलसी को तिलहन बार ऐसे दोनों के रूप में उगाया जाता है अगर अपन ऐसे भी कह सकते हैं अलसी आपकी तेल एवं फाइबर वाली क्रॉप है ठीक है ना तो तेल के लिए भी उगाया जाता है इसके बीजों से तेल प्राप्त होता है और रेशा भी इसके तने से प्राप्त किया जाता है अलसी का रेशा फ्लैक्स कहलाता था दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों अलसी के रेसी को क्या कहते हैं फ्लैक्स अब मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूं कि कॉटन के रेसी को क्या कहा गया लिंट कहा गया जूट के रेसे को क्या कहा गया बास्ट कहा गया और आपके अलसी के रेसे को क्या कहा जा रहा है फ्लैक्स इसलिए आप तीनों का नाम जरूर याद रखेंगे ठीक है भूलना नहीं है आपको वैसे मैं पूरी प्रैक्टिस कराऊंगा आपको ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चनों से आप चिंता ना करें बिल्कुल पूरी प्रैक्टिस आपकी सभी क्वेश्चनों की जरूर होगी जब इस दिन क्रॉप कंप्लीट हो जाएंगी उस दिन आपको सौ सौ नंबर के दो आपको जरूर वीडियो मिलेंगे जिसमें हम आपको पूरी तरीके से प्रैक्टिस कराएंगे कि आप कितना तैयार हो सकें कितनी प्रकार से आपने इन वीडियो को देखा है कितने अच्छे तरीके से आपने इन चीज़ों को समझा है ठीक है ना चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट आपके प्रश्न अलसी को कम पानी चाहने वाली फसल के रूप में भी जाना जाता है जी छात्रों हाँ अलसी को बहुत कम पानी चाहिए और कम पानी में भी अच्छी प्रकार से उसका उत्पादन किया जाता है किया जा सकता है भारत में सर्वाधिक अलसी की खेती की बात करें तो सबसे ज्यादा लिंसिड की जो फार्मिंग की जाती है कल्टीवेशन की जाती है ना वो कहाँ पर की जाती है एमपी में की जाती है मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अलसी का उत्पादन होता है अलसी में नीले रंग के फूल आते हैं जी हाँ आपने अगर देखा होगा तो पता होगा आपको अलसी में नीले रंग के फूल आते हैं कैसे कलर के नीले कलर के फूल आते हैं अलसी के रेशे का उपयोग स्पॉट सामग्री बनाने में किया जाता है जी हाँ छात्रों अलसी का जो रेशा प्राप्त होता है ना उसका उपयोग स्पॉट स्पॉट का मतलब कह सकते हैं जैसे क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट में आपके जो पैड बनाए जाते हैं आपके ग्लब्स में तो नहीं और बाकी जैसे थाई पैड होते हैं तो इनमें इसका उपयोग ज़रूर किया जाता है क्योंकि ये बहुत मजबूत होता है और इसमें कोई भी चोट नहीं लग सकती है अगर इसका ऊपर से अपन ने बांध रखा है तो थाई पैड और पैड इससे ज़रूर बनाए जाते हैं किससे अलसी के रेस से इसे ऑयल सीड कम फाइबर फसल कहते हैं। जरूर याद रखना फसल का मतलब ये होता है और रेसा भी प्राप्त होता है सीडबॉल शब्द अलसी के बीजों हेतु प्रयोग किया जाता है जी हाँ छात्रों इसके बीज को क्या कहते हैं सीड बॉल कहा जाता है जी हाँ ध्यान रहे आपको कि अलसी के बीज को क्या कहते हैं सीड बॉल इसके बीज को कहा जाता है अलसी में रेसा तने तो से तथा तेल बीज से प्राप्त है तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि जो रेशा प्राप्त होता है फाइबर प्राप्त होता है अलसी से वो तने से प्राप्त होता है, है जबकि बात करें तेल की तो तेल प्राप्त होता है तो आपके बीज से प्राप्त होता है तो आपको ये अलसी के प्रश्न समझ में आ रहे हैं कहीं किसी को प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा होगा बढ़ते हैं आगे हम नेक्स्ट आपके प्रश्न की ओर नेक्स्ट है आपका विश्व में अलसी सर्वाधिक कनाडा में होती है जी हाँ छात्रों विश्व में सबसे ज्यादा अलसी की बात करें तो कहाँ पर होती है कनाडा में सबसे ज्यादा इसका उत्पादन होता है अलसी के बीज में सैंतीस से बयालीस परसेंट ऑयल पाया जाता है ये भी आप लोग याद रखना कि जो अलसी होती है इसके तेल कितना प्राप्त होता है थर्टी सेवन तो टू फोर्टी टू परसेंट तक लगभग आपका इसमें से ऑयल प्राप्त हो जाता है अलसी की जातियों की बात करें वेरी इंपॉर्टेंट है नीलम सिखा हीरा मोती ये चार वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार पूछी जा चुकी हैं इसलिए इनको आप लोग ज़रूर याद रखेंगे अलसी रबी ऋतु की फसल है कौन सी सीज़न की है रबी ऋतु की ठीक है ना रबी सीजन सब लोग जानते होंगे जिसकी बुवाई पंद्रह अक्टूबर से पंद्रह नवंबर के मध्य की जाती है वह सीजन कौन सा कहलाता है आपका रबी सीजन कहलाता है तो याद रखें उस समय की ये फसल है अलसी की भी दर तीस से पैंतीस किलोग्राम प्रति हेक्टर होती है जी हाँ छात्रों अलसी की सीड रेट कितनी होती है तीस से पैंतीस किलोग्राम प्रति हेक्टर की उपज होती है अलसी के तेल से पैंट बोर्नेस एवं विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ बनाई जाती हैं ये भी याद रखें अलसी का जो ऑयल होता है उससे पेंट बॉर्निस जैसे पेंट बॉर्निस जानते होंगे आप लोग बार जैसे पुताई की जाती है जनरली उसकी बात कर रहे हैं और विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ भी इससे बनाई जाती हैं इसके ऑयल से जी हाँ छात्रों तो ये आपको ये जनरली अलसी से जितने भी आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते थे भाई सभी प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से और जूट की भी जितने प्रश्न बनते थे सभी आपको मैं आपको बता चुका हूँ कहीं भी किसी को प्रॉब्लम आता है कहीं किसी को डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछें ठीक है वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें बच्चों और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल न भूलें जिससे उनका भी भला हो सके ठीक है अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें जिससे आपको नए वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके अगर आप कर रहे हैं कोई भी एग्रीकल्चर कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी चाहे भाई एम पी पी एटी हो सी जी पी एटी हो या बी एच ई हो आई सी आर भी हो तो उसके लिए आपको ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बहुत ही महत्वपूर्ण है बस इनको आप देखते चलिए ठीक है तो आज के लिए इतना ही कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार